ओम मां गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपत उवाच। ऐसा लोई से मैं डॉक्टर प्रोफेसर एके चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों हाजिर हूँ मैं देखिए आप सबसे विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का थंबनेल बताऊं, शीर्षक बताऊं, उससे पहले निवेदन करूं कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए मेरा ये प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न राशि से भी देख सकते हैं, यानी एक जैसे मेष है तो मेष के लिए लग्न भी हो या चंद्र राशि भी हो दोनों। और नहीं मालूम है अगर आपको अपनी फिर नाम राशि से देखिए। देखिए आज मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ। अब देखिए 2024 जो है समाप्ति के कगार पर है। अक्टूबर महीना जा रहा है, नवंबर दिसंबर इसकी मैं भविष्यवाणी कर चुका हूँ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीन महीने की 7-8 राशि की मैंने की हुई है। अब मैं विचार कर रहा था क्यों ना मैं आगे इसे आगे बढ़ूं, तो ये सोच करके मैं 2025 के बारे में कोई बता रहा हूँ। तो देखिए मित्रों मैं 2025 में हर राशि के बारे में राशिफल बताने का प्रयत्न करूंगा। और देखिए उसमें स्टार्ट करूंगा सबसे पहली राशि यानी मेष राशि। देखिए ये राशिफल होते हैं जो पूरे वर्ष के होते हैं, वो ऐसे ग्रह जो कि बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर रहते हैं, जैसे कि राहु हैं, केतु हैं, और देखिए शनि हैं जो 2.5 साल तक रहते हैं, राहु केतु 18 महीने तक रहते हैं, और बृहस्पति जो है 1 साल तक करीब रहते हैं एक जगह पर। देखिए बाकी ग्रह में देखिए तो शनि हर महीने जगह बदलते हैं, मंगल 45-50 दिन में, शुक्र और देखिए बुध सब कोई बहुत जल्दी, बुध तो बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी बदल लेते हैं, शुक्र भी 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, तो वो स्थान जल्दी। ऐसे ग्रहों को लेकर के हम फिर भविष्य में नहीं बदल सकते। और चंद्रमा तो हर 2.5 दिन बाद जगह बदलता है, इसलिए लंबे जो ग्रह हैं जो बहुत टाइम तक बैठते हैं उन्हीं का हम कंसिडर करके और साल भर का बनाते हैं। देखिए मासिक में भी नहीं, हाँ साप्ताहिक जो बताते हैं उसमें जरूर चंद्रमा को भी लेते हैं और बाकी सब, लेकिन मासिक में तो ये सब छोटे ग्रह शुक्र बुध और ये सब आ जाते हैं, लेकिन साल भर वाले में इनकी जगह हम कंसिडर नहीं कर सकते हरेक, क्योंकि हर महीने में बदलती रहती है ज्यादातर। तो अभी हम देखिए बड़े ग्रहों की स्थिति के अनुसार हर राशि का फल बताने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें देखिए पहली राशि होगी मेष राशि। मेष राशि मंगल की राशि, तो मेष राशि फल 2025 में मेष राशि क्या गोल खिलाएगी, मेष राशि के साथ क्या होगा। देखिए मंगल की राशि है, मंगल जो है एनर्जी के प्रतीक है, ऑक्सीजन से भरे हुए, एनर्जी से भरे हुए, रक्त प्रवाह से भरे हुए, लाल प्लेनेट है, और इसके मतलब मालिक मेष राशि के हैं, तो मेष राशि के जातकों को भी एनर्जी से भरे हुए होते हैं, ब्लड से भरे हुए होते हैं, और बहुत तेजी से काम करने वाले, बहुत तेजी से सोचने वाले बहादुर योद्धा। तो मेष राशि बल 2025 के देखिए थ्रू हम ये जानेंगे कि मेष राशि वालों का 2025 में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, नौकरी कैसी रहेगी, व्यवसाय व्यापार कैसा रहेगा, यानी आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, आर्थिक कोई समस्या तो नहीं आएगी, और प्रेम प्रसंग चल रहा है कोई अगर तो प्रेम विवाह, प्रेम में प्रगाढ़ता, संतान, संतान की उत्पत्ति, घर गृहस्थी कैसी रहेगी। इसके अलावा देखिए वर्ष के ग्रह गोचर जो हैं के आधार पर हम बताएंगे देखिए आपको कि क्या किया जाए जिससे इनका जीवन अच्छा हो जाए, यानी उपाय कुछ मंगल के, कुछ बुध के, कुछ शुक्र के, कुछ शनि के, ये उपाय भी बता सकते हैं जिससे कि इनको लाभ मिले। तो आप देखिए अब हम आपको कुछ परेशानी आएगी अगर आपके साल में वो भी बताएंगे। तो 2025 में देखिए मेष राशि का राशि फल कैसा है, यानी मेष राशि वालों का देखिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखे सबसे पहले तो हेल्थ देखी जाती है, हेल्थ इज गुड, हेल्थ इज वेल्थ,
स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो फिर सब बेकार है। और देखिए तो स्वास्थ्य के लिए देखिए हम देखिए 2025 में मेष राशि वालों का स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा, यानी थोड़ा सा स्ट्रांग थोड़ा सा कमजोर, हल्की मौसमी बीमारी वो चली रह सकती है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर आपको केयर करनी पड़ेगी। इस साल देखिए तो ये स्वास्थ्य जो है आपका शुरुआत से लेकर देखें शनि की स्थिति देखिए आप और राहु की स्थिति देखिए आप, तो ये देख करके देखिए शनि की जो है अभी तो शनि जनवरी के महीने में तो यही रहेंगे कुंभ राशि में, और तीसरी दृष्टि शनि के लग्न पर पड़ रही है शरीर पर, तो शरीर में जो कुछ भी समस्या है शनि दे रहे थे या नहीं दे रहे थे दोनों ही बात है। मतलब मैं समझता हूँ अगर शनि अच्छे बैठे हुए लाभ दे रहे हैं तो मैं तो ये समझता हूँ कि शनि आपको फिर बीमारियां नहीं देनी चाहिए, लेकिन बहुत से पंडित ज्योतिषियों को मैंने देखा कहते हुए कि तीसरी दृष्टि शरीर पर पड़ रही है तो बीमारियां बनी रहेगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा। पर मैं समझता हूँ स्वास्थ्य अगर खराब था तो ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि शनि का लाभ भाव में बैठने का मतलब लाभ देना, और देखिए लाभ दिया अगर बीमारी दे दी तो फिर लाभ का क्या करना। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि शनि ने अगर लाभ दिया है और आप ईमानदार हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप सचेत्र हैं, आप व्यवचार भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं और शनि आपको लाभ दे रहे हैं ज्ञान भाव से, ये तो मानेंगे कि शनि जहाँ बैठते वहाँ तो अच्छा देते हैं, दृष्टियाँ खराब होती हैं, पर मैं नहीं मानता दृष्टियाँ खराब होते हैं। हाँ शनि खराब भाव में बैठे हो, खराब ग्रहों के साथ बैठे हो तो दृष्टि भी है, मैं समझता हूँ, लेकिन जब शनि आपको लाभ दे रहे हैं भाई ज्ञान भाव से तो शरीर को फिर बीमार क्यों डाल देंगे, फिर लाभ कहाँ चला गया, लाभ कहाँ रहा, अगर आप बीमारी हो गए तो लाभ तो खत्म हो गया ना। इसे मेरा कहना ये है कि शरीर पर आपकी दृष्टि पड़ रही है तो छोटी मोटी बीमारियों को तो शनि खत्म कर देंगे, हाँ लॉन्ग टर्म बीमारी चल रही है उनमें तो आपको दवाएं खानी पड़ेंगी, ठीक से इलाज करना पड़ेगा। तो देखिए ये अच्छी बात देख रहा हूँ मैं, शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है आपके प्रथम भाव पर यानी लग्न भाव पर, तो आपको देखिए थोड़ा सा जागरूक तो रहना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के प्रति, लापरवाही नहीं करनी पड़ेगी, आपको दवाएं खाएंगे जो आपकी लंबी बीमारियां हैं कोई चली आ रही है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट प्रॉब्लम है या स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, जो लंबी समस्या है जो कि अब की नहीं है चली आ रही है बहुत नजर, उस पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो ग्रहों की ऐसे ठीक नहीं होगी, उसको तो इलाज दवाई करनी पड़ेगी। लेकिन मामूली मौसमी समस्याएं जो आ जाती हैं वो तो ग्रहों की दृष्टि से ही सब खत्म हो जाती है। तो देखिए आपका शनि का जो गोचर पड़ने से अभी तो काफी अच्छा लाभ मिल रहा है, और शनि पर देखिए जब 29 मार्च 2025 को 12वें भाव में आ जाएंगे यानी मीन राशि में, और उसके थोड़ा टाइम बाद मई में राहु चले जाएंगे कुंभ राशि में, तो अभी तो एक दो महीने तो शनि राहु दोनों मिलकर 12वें भाव से आपको विदेश का कोई काम अटका हुआ था वो पूरा कराएंगे, विदेश जाना था तो विदेश जा सकते हैं, किसी वजह से रुक गया था जाना, अब आपका संभव हो सकता है कि शनि और राहु मिलकर दोनों ही आपको विदेश भिजवा दें और विदेश से लाभ करा दें, धन की प्राप्ति कराएं, नौकरी हो चाहे व्यापार हो कुछ भी हो। और शनि की अब देखिए तीसरी दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर और 12वें भाव में आ गए, तो अब यहां मैं कह सकता हूँ खर्चे का भाव है, लाभ पहले लाभ में थे तो अलग बात थी, अब खर्चे के भाव में 12वें भाव में आ गए, तो भाई शनि अब खर्चा करा सकते हैं, विदेश से खर्चा करा सकते हैं, विदेश जाने में खर्चा करा सकते हैं, और धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो धन का अच्छा है, जैसे बृहस्पति धन का अच्छा कराते हैं ऐसे ही मैं समझता हूँ धन भाव पर दृष्टि धन का आगमन तो कराएगी पर धन का क्षय भी कराएगी, धन का खर्चा। तो देखिए स्वास्थ्य में खर्चा हो, परिश्रम करें आप तो आप बहुत भागदौड़ करनी पड़े उसमें खर्चा हो, यात्रा करनी पड़े उसमें खर्चा हो, शरीर से काम तो कराएंगे आप वैसे और खर्चा मतलब शरीर का
लेकिन धन भाव पे दृष्टि पड़ना जो थोड़ा सा खर्चा, स्वास्थ्य भी नरम हो सकता है, भाग दौड़ की वजह से आपको श्रम करेंगे तो स्वास्थ्य के अनुसार ही तो श्रम करेंगे, तो स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा तो आप श्रम करेंगे। और अभी तक तो अनुकूल चल रहा था, मार्च तक तो फिर एकदम खराब कैसे हो जाएगा। इसलिए जो भी बीमारियां हैं आपकी टेम्पररी वो सही ठीक करेंगे, लॉन्ग टर्म को कुछ नहीं कर सकते। आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा तो आप परिश्रम भी करेंगे, क्यों शनि की देखिए अब 12वें भाव से बैठ करके 12, 1 और 2 धन भाव में दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए आपको कोई निर्णय लेने में थोड़ी समस्या तो आएगी, क्योंकि 12वें भाव में आपके खर्चे के अब देखिए राहु मई में वहां से हटके आ जाएंगे, लाभ भाव में जब मई में आ जाएंगे तब तो फिर अच्छा हो जाएगा। क्यों राहु देखिए लाभ भाव में तो कोई ग्रह हो लाभ ही देता है, चाहे शनि हो चाहे राहु हो चाहे और कोई और बृहस्पति शुक्र सब तो लाभ ही देंगे। तो केवल राहु की और शनि की चिंता रहती है, तो राहु जब लाभ भाव में आ गए तो लाभ तो देंगे देंगे। और लाभ भाव से पंचम भाव को देख रहे थे, धन दे रहे और आपकी इच्छाएं जो आपके आपने सोच है आपकी, जो राहु सोच है, राहु अंधकार है, राहु आपके मन को आपके विचारों को आसमान तक ले जाएंगे। तो जो आप सोचेंगे, जो आपका विस्तार होगा आपके सोच का, उसको राहु पूरा करेंगे। क्यों 11वें भाव में लाभ दे रहे हैं, लाभ का मतलब आपको हर तरह से लाभ, धन का लाभ, आपके शिक्षा में लाभ, आपके संतान को लाभ, आपके प्रेम प्रसंगों को लाभ, सबको जो है देखिए। तो मेष राशि वालों देखिए शिक्षा के दृष्टिकोण से 2025 आपके लिए औसत साल रहेगा, और आपके संतान है अगर आप और संतान शिक्षा में है तो संतान को तो लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य पूरा आपका अब अनुकूल बना रहेगा देखिए। और देखिए आप उच्च शिक्षा के कारक है कौन, बृहस्पति। उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति तो देखिए अभी अच्छी जगह बैठे हुए हैं धन भाव में, जहां बृहस्पति पर शनि की दृष्टि तो पड़ी और शनि की दृष्टि पड़ेगी देव गुरु पर। देव गुरु तो बहुत सरल स्वभाव के हैं और आपको देखिए जो दे सकते हैं वो देंगे। तो मैं समझता हूँ उच्च शिक्षा के लिए देखिए मई महीने के बाद से जब राहु हट गए आपके, राहु 11वें में आ गए और देखिए शनि जो है 12वें में बैठे जरूर विदेश भिजवा रहे हैं, लेकिन बृहस्पति तो अभी लाभ दे रहे हैं। जब तक बृहस्पति धन भाव में, धन भाव में देखिए बकरी हुए थे, बकरी के बाद फिर मार्गी हो गए, 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। पर साल के शुरुआत में बकरी थे तो आपको देखिए घर से दूर रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि शनि आपको घर से दूर भेज रहे हैं, राहु घर से दूर भेज रहे हैं, बृहस्पति आपकी मदद कर रहे हैं, बृहस्पति बुद्धि विवेक वाले कामों में लाभ दे रहे हैं, शिक्षा के में लाभ दे रहे हैं, उच्च शिक्षा में लाभ दे रहे हैं, तो पढ़ाई में आपकी मदद कर रहे हैं बृहस्पति। तो मैं समझता हूँ आप देखिए यात्राएं करेंगे, शिक्षा के से कनेक्टेड यात्राएं कर सकते हैं। और देखिए राहु जो आ गए अब 11वें लाभ भाव में, तो राहु 1, 2, 3, 4, 5 अब राहु आपको छोटी मोटी यात्रा कराएंगे, राहु आपको मास मीडिया से आपको लाभ दिलाएंगे, यानी आपके समाज से, दोस्तों से, आपके मित्रों से, सबसे जो है। और देखिए आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर हैं तो बहुत अच्छा लाभ पाएंगे, तरक्की मिलेगी आपको और आपके संतान को भी शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। तो देखिए अब मैं बात करता हूँ देखिए आपके थोड़ा सा व्यापार धन के, यानी मेष राशि वाले के 2025 में जो है व्यापार या व्यवसाय जो होगा ये भी मिले जुले परिणाम देगा आपको। देखिए हालांकि साल की देखिए आप शुरुआत में मार्च के महीने में शनि लाभ भाव में बैठे हुए थे, लाभ भाव में से शनि लाभ दे रहे थे, मुनाफा हो रहा था व्यापार में,
व्यवसाय में, ट्रेडिंग में, नौकरी में आपकी मेहनत का के अनुरूप आपको लाभ मिल रहा था। व्यापार व्यवसाय आपका अच्छी दिशा में चल रहा था। और मार्च के बाद देखिए शनि का शनि ग्रह जब द्वादश भाव में आ जाएंगे मीन राशि में, कुछ टाइम 2 महीने राहु के साथ भी रहेंगे, तो फिर देखिए मैंने जैसे बताया आपको ये शनि और राहु आपको घर से दूर यानी विदेश भेज सकते हैं, तो आप व्यापार के संबंध में व्यापार के लिए घर से दूर जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं, और विदेश नहीं गए तो अपने देश में भी अपने मात्र स्थली से जहाँ पैदा हुए हैं आप वहां से काफी दूर जा सकते हैं। पर विदेश में रहकर के व्यापार करेंगे, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। तो मैं समझता हूँ देखिए अच्छा परिणाम मिल रहा है आपका, धन मिल रहा है विदेश व्यापार से, धन मिल रहा है विदेश जाने से, धन मिल रहा है और व्यापार में अच्छा लाभ मिल रहा है। क्योंकि अब देखिए राहु लाभ भाव में आ गए मई से, और राहु जो है फिर देखिए लाभ भाव में तो लाभ ही लाभ मिलेगा घर से दूर जाके। और देखिए अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी की देखिए दृष्टिकोण से भी मार्च तक का समय तो काफी अच्छा है, क्योंकि शनि बैठे हैं लाभ भाव में तो नौकरी से भी शनि, और शनि देखिए पिछले दसवें भाव को देख, दसवां भाव भी उनका ही है वो नौकरी के क्षेत्र का जॉब का, तो नौकरी में भी शनि आपको तरक्की दिलाएंगे। मार्च 29 मार्च 2025 तक जब तक शनि लाभ भाव में 11वें भाव में है आपको नौकरी में भी नौकरी के क्षेत्र में भी अच्छा लाभ मिलेगा, और देखिए बहुत काफी अच्छा लाभ मिलेगा आपको। लेकिन जब शनि आपके यहाँ से निकल के चलेगा 12वें भाव में तब बदल जाएगा मामला, तो उसके बाद आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और फिर जब मई में राहु आ जाएंगे दोबारा 11वें भाव में तो फिर लाभ मिलेगा। लाभ कहाँ से मिलेगा भाई, व्यापार करते हैं तो उससे मिलेगा, मैंने बता दिया पहले ही। लेकिन अगर व्यापार नहीं करते हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी काम करते हैं, ठेकों का काम करते हैं, तो भी तो लाभ मिलना चाहिए। तो जब शनि नहीं जब राहु लाभ भाव में आ जाएंगे मई के पास से, तो पूरे टाइम बाकी साल में जितना टाइम बचा है आपको लाभ मिलेगा, नौकरी से तरक्की मिलेगी, नौकरी से लाभ मिलेगा जो काम करते हो। आप देखिए कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या जो भी आप, क्योंकि 11वें भाव से 5वें भाव में दृष्टि पड़ रही रहोगी, तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए संबंधित आपका संचार माध्यम से, आपका कम्युनिकेशन से, आपका टेक्निकल एजुकेशन से, इन सब से लाभ मिलेगा। संतान आपकी अगर शिक्षा में है जो कि इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो उसको भी तरक्की मिलेगी। तो मैं समझता हूँ नौकरी पेशा लोगों के लिए मई के बाद अच्छा लाभ मिलेगा अपनी अपनी मतलब नौकरी में, और राहु की वजह से, और संतान को भी लाभ मिलेगा। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब देखिए मेष राशि वालों को मैं समझता हूँ कि नौकरी हो चाहे व्यापार हो, बृहस्पति के कारण धन अच्छा आ रहा है, सामान्य से ज्यादा आ रहा है, और राहु के कारण लाभ मिल रहा है, तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मई के बाद देखिए बृहस्पति भी, मई के बाद बृहस्पति भी तो जगह बदलेंगे, राहु जैसे राहु आ गए इधर तो मई के बाद, क्यों राहु तो 1.5 साल में जगह बदलते हैं, और ये जो बृहस्पति 1 मई को शायद आए थे अपने इसमें दूसरे भाव में, तो उस हिसाब से 1 साल बाद मई में जगह बदल लेंगे, वो तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो जब बृहस्पति मई में ही आ जाएंगे तीसरे भाव में, तीसरे भाव से बृहस्पति अब 9वें भाव को देखेंगे भाई, ये बहुत गजब का होगा कि तीसरे भाव से बृहस्पति ने भाग्य भाव को देखा, भाग्य वर्धन हो गया। तो अब देखिए कोई आपके भाग्य से जो चीजें आ रही हैं बिना मेहनत के या थोड़ी मेहनत से आपको भाग्य से मेहनत से जो लाभ हो रहा है धन का, तो क्योंकि बृहस्पति के मई में राहु के गोचर से और बृहस्पति के गोचर से दोनों से राहु का लाभ भाव में आना, बृहस्पति का तीसरे भाव के में आकर भाग्य को देखना, ये दोनों ही आपके गोचर बहुत ही शानदार रहेंगे और धन की प्राप्ति कराएंगे, आमदनी बढ़ेगी। आमदनी के दृष्टिकोण से ये देखिए साल फिर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा मई के बाद से। इस बात की देखिए
में पक्की गारंटी है कि धन तो अब आएगा मई के बाद से। तो आप, मैं फिर कहूंगा धन की बारिश होगी तो आप हंसेंगे, भाई धन की बारिश ही होगी, जब धन बहुत आएगा तो मैं बारिश ही कहता हूँ, और क्या कहूँ उसको। आपको देखिए अच्छी तरह से धन मिलेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, मेहनत के अनुसार। देखिए मेहनत नहीं करेंगे बृहस्पति तीसरे भाव में, भाई मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलना है। आप समझेंगे लेटे लेटे हाँ भाग्य अच्छा हो गया, पर भाग्य ही खाली अच्छा नहीं है, बिना कुछ किए तो भाग्य पीछे भी कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा रोएगा नहीं, माता दूध नहीं पिलाएगी, भगवान भी देख रहा है ये आलसी है, पड़ा रहता है कुछ नहीं करता, तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी। और जरा भी आपने प्रयत्न किए, भाग दौड़ की मेहनत की, फिर तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो आपके मेहनत के अनुसार राहु और बृहस्पति दोनों ही आपको बहुत ज्यादा फल देंगे। अच्छा अच्छा अब देखिए आपके प्रेम संबंध में बताऊं आपको, इसमें भी मिले जुले परिणाम मिलेंगे। क्यों साल की शुरुआत में देखिए मार्च के महीने तो पंचम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, ग्यारहवें भाव से, और पंचम भाव पर शनि की, तो सच्चे प्रेम करने वाले लोग जो हैं उनको शनि नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। और देखिए उसके बाद फिर राहु आ जाएंगे यहाँ पर मई के बाद पंचम भाव में। देखिए राहु और केतु का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव में केतु आ जाएंगे और ग्यारहवें भाव में राहु आ जाएंगे, तो राहु और केतु दोनों का प्रभाव पड़ेगा। तो थोड़ा सा देखिए प्रेमी से आपके साथ गलत फहमियां हो सकती हैं, पैदा भ्रम पैदा हो सकता है, सत्यता से दूर। आप देखिए अगर आपने कोई जरा सा भी संदेह किया तो प्रेमी आपका घर से आपसे दूर भाग जाएगा। आपने जरा भी कुछ छिपाया या एक साथ दो दो लोगों से संबंध रखे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। इसलिए क्यों राहु और केतु दोनों ही आपके प्रेम, केतु तो बैठे हुए हैं पांचवें भाव में, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको देखिए विश्वास को नहीं तोड़ रहा है अपने आपस में प्रेम संबंधों में, विश्वास टूट गया भाई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ एक दूसरे के प्रति लॉयल रहना, विश्वास को न तोड़ना, आपकी प्रेम में सफलता मिलेगी, प्रेम में सफलता मिलेगी, प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, और प्रगाढ़ता आएगी तो प्रेम विवाह भी होगा। लेकिन आपने जरा सा भी गड़बड़ी गलती कर दी, संदेह पैदा कर दिया, कुछ आपने छिपाया, सत्य कुछ और है बताया कुछ और मल्टीपल आपने अफेयर्स रखे भाई, तो फिर पछताना पड़ेगा। फिर आपको मैं कहता हूँ राहु दंडित करते हैं शनि, शनि भी क्रोधित हो जाएंगे, और शनि क्रोधित हो जाएंगे तो राहु से दंड दिलाएंगे। तो भाई इसलिए आपको अपने प्रेम में अनुकूलता लानी है, सफलता लानी है, तो आपको ईमानदार, देखिए ईमानदार सत्यनेत्र, और देखिए मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि शनि या राहु आपके कभी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, क्यों दुश्मनी होगी भाई, आपने कोई बुरा काम किया तभी दुश्मनी होगी ना। सरकार भी सजा कब देती है, जब आप कोई गलत चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, कोई करप्ट काम करते हैं, तो आप शनि और वो राहु भी दोनों तभी सजा देंगे आपको जब आपने दूसरे चरित्र और आपने कोई खराब काम किया और आलस किया, अपना जो ड्यूटी थी वो नहीं निभाई ढंग से। अगर आप ये सब सही करते रहेंगे तो फिर तो आपको माला माल कर देंगे राहु और शनि दोनों, धन से भी और प्रेम से भी। तो देखिए अगर आपने देखिए ये प्रयासरत रहे, आपने अपने ढंग से अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार रखा तो घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा, और अगर आपने प्रेमी के साथ अच्छा संबंध रखा, कुछ छिपाव दुराव नहीं किया, तो फिर आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। घर में आप प्रस्ताव लाएंगे प्रेम विवाह के शादी के लिए, तो आपकी शादी भी होगी और फिर आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा बीतेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने के लिए जरूरी है कि आप अपने प्रेमी के साथ सत्यबद्धता और स्पष्टता रखें, कोई एक दूसरे के प्रति जरा सा भी संदेह न करें, भाई संदेह करेंगे मारे जाएंगे। अब देखिए गृहस्थ जीवन के लिए बताऊं मैं आपको, 2025 में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। साल के शुरुआत में बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही साल बीतेगी आगे बढ़ेगी तो आपको देखिए किसी आपके परिवार के व्यक्ति से आपको अनबन हो सकती है,
कोई भी आपका संबंधी जिद जो जिद्दी व्यक्ति है वो आपसे अनबन कर लेगा, अनबन कर लेगा तो अनायास बिना बात के घर में मन मुटाव का वातावरण आ सकता है और वो फिर दुखदायी हो सकता है। व्यर्थ की जिद से बचें, वाणी को मीठा रखें। देखिए दूसरे भाव में या बारहवें भाव से एक दो तीन शनि की दृष्टि पड़ना शुरू हो जाएगी धन भाव पर और जो परिवार का कुटुंब का भाव ही है तो वहां फिर देखिए थोड़ा सा शनि की दृष्टि के कारण परिवार में वाद विवाद बहसबाजी ये सब और कोई आपका घर का आदमी कोई आपका संबंधी जिद्दी वाला स्वभाव का होगा अड़ियल टाइप का होगा वो सुनेगा ही नहीं, वो आपसे देखिए बिना बात के बहस कर सकता है कोई हो परिवार का छोटा बड़ा इससे कोई मतलब नहीं। और फिर देखिए ये अच्छा योग नहीं बनता। मेष राशि वालों 2025 के अनुसार आप अपनी जरूरत और मेहनत के अनुरूप तो मैंने बताया फल पा ही रहे हैं, गृहस्थी अच्छी चल रही है लेकिन थोड़ा सा अपने राहु से भ्रमित ना हो। एक तो क्यों राहु भ्रम पैदा कर देंगे तभी तो ये प्रेम प्रसंग में झगड़ा होगा और कुटुंब में बहस होगी। अपने मन को मस्तिष्क को ठीक से रखें और गृहस्थ जीवन को अच्छी तरह से चलाएं तो मेरे ख्याल से ठीक कर सकते हैं आप। विवेक का बृहस्पति की कृपा पाएंगे, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो आप गलत दिशा में नहीं जाएंगे और सारे दुविधाओं से बाहर निकल आएंगे। अब देखिए मेष राशि वालों को भूमि या भवन और संबंधित मामलों में 2025 में ये एवरेज परिणाम रहेगा क्योंकि चौथे भाव पर कोई अच्छी दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। तो देखिए आपको भवन का निर्माण करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें ऐसा कर सकते हैं, कोई मकान बनाना चाहते हैं आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन वैसे स्वतः ही ये अपने आप ही आपको मकान मिल जाए अपने आप ही आपको कुछ, क्योंकि वहाँ चौथे भाव में जो है देखिए वो बड़े ग्रह की कोई किसी की प्रभावी दृष्टि नहीं पड़ रही है जो प्रभाव डाले तो। लेकिन देखिए ऐसा किसी बड़ी उपलब्धि का योग तो नहीं है कि आपको बड़ी गाड़ी मिल रही है या बड़ा फ्लैट मिल रहा है बड़ा मकान मिल रहा है, ऐसा ऐसा कोई मतलब योग नहीं है। लेकिन आप प्रयत्न करेंगे ईमानदारी के साथ आप प्रयास करेंगे तो फिर आपको ग्रह भी सपोर्ट करेंगे, लाभ मिल सकता है। यानी आप भूमि भवन वाहन के सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वाहन आदि को लाना चाहते हैं नया, तो इस वर्ष आपको देखिए मिले जुले परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन अगर ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे तो आपको फिर लाभ हो सकता है, यानी आपको आपकी इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपके पास वाहन नहीं है अथवा पुराना वाहन खराब हो चुका है तो फिर आपको मिलेगा, फिर तो सहायता मिलेगी ग्रहों से भी, देव गुरु कृपा करेंगे, शुक्र कृपा करेंगे, बुद्ध कृपा करेंगे, धन आएगा और आप इच्छा अनुसार अपने पुराने वाहन को बदल सकते हैं और देखिए भूमि भवन वाहन आदि के क्रय विक्रय से भी लाभ पा सकते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे देखिए भूमि भवन वाहन के बेचने में उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बिक जाएगा सर, मेहनत करेंगे तभी तो आपको लाभ मिलेगा। मेहनत तो बाप के करनी पड़ेगी हर काम में जो भी आप काम करेंगे। 2025 में देखिए मेष राशि वालों जैसे मैंने बताया आपको धन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, शादी हो रही है, संतान को शिक्षा मिल रही है, आपको उच्च शिक्षा मिल रही है, विदेश जा रहे हैं विदेश व्यापार से लाभ मिल रहा है और प्रयत्न करेंगे मेहनत करेंगे तो मकान और घर बिल्डिंग और जो भी गाड़ी वाड़ी सब मिल रही है। तो मेरे हिसाब से तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छा साल है और भी ज्यादा अच्छा चाहते हैं आप करना फायदा तो देखिए हमेशा बताता हूँ मैं, मंगल की राशि है हनुमान जी की, आपके हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं, हनुमान जी की उपासना करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, संकट मोचन नाम तुम्हारो वो जो अष्टक है उसके पाठ करिए और देखिए मंगल को हनुमान मंदिर जाएं हनुमान जी के दर्शन करें मोदक चढ़ाएं और देखिए प्रार्थना करें भगवान से तो आपका अच्छा रहेगा। नियमित रूप से और भी इसके अलावा
आप हनुमान जी के अलावा देखिए दुर्गा का भी आपके आपके ये दो ही दो आपके हनुमान जी और शक्ति दो ही आपके घर में जिनकी पूजा होती है मेष राशि वालों के लिए, तो मैं समझता हूँ दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं शुक्रवार को और माता दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। कन्याओं को भोजन कराए, कन्याओं को दान दें तो अनुसार कन्याओं को जो जरूरत के अनुसार, छोटे हैं तो बच्चों को खिलौने बिलौने दें, बड़े हैं पढ़ाई किताब विताब दें, पेन पेंसिल दें, तो कन्याओं को दान देंगे तो भी माता दुर्गा का खुश रहेंगी। तो मैं समझता हूँ 2025 की जो साल जो आ रही है आपके लिए मेष राशि वालों बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, खराब भी तो खराब तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मध्यम से थोड़ा ऊपर है, बहुत अच्छे से थोड़ा नीचे है। नहीं बहुत अच्छे तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए जो बड़े यानी मई तक तो देखिए यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक महीने हो गए, तब तक तो राहु बाढ़ में जो मीन राशि में थे वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन राहु जब लाभ भाव में आ जाएंगे मई के बाद से तब लाभ चलेगा, पर बृहस्पति इसके बाद थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन भाग्य भाव को दिख रहे हैं ना, इसलिए भाग्य प्रदान करेंगे। तो मैं समझता हूँ मेष राशि के लिए ये 2025 की साल 80% में मान सकता हूँ लाभकारी, धनकारी, प्रेम प्रसंग में सफलता, मतलब आपको 100% लाभ नहीं मिल रहा है, 80% मान सकता हूँ। तो मित्रों अभी मैं यहाँ देखिए विराम लूंगा, फिर देखिए अगली बार आऊंगा तो अगली राशि की चर्चा करूंगा, यानी वृषभ राशि की चर्चा करूंगा। मित्रों नमस्कार।